हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित दांगड़ी योर होस्ट एंड दोस्त। आप सभी का एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन मास्टर पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम सीखेंगे 80 प्लस वेजिटेबल्स नेम इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आज हम सब्जियों के नाम सीखेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल स्पोकन मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड में आए घंटे के निशान को जरूर दबाइए, जिससे मेरे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं और जो हमारी पहली वेजिटेबल है वो है प्याज। प्याज, प्याज का अंग्रेजी नाम है अनियन। क्या है? अनियन। स्पेलिंग onion, अनियन। अनियन मीन्स प्याज। अगली वेजिटेबल टमाटर। टमाटर का अंग्रेजी नाम टमेटो। टमेटो, इसकी स्पेलिंग TOMATO। नेक्स्ट वेजिटेबल मूली। मूली का अंग्रेजी नाम है रेडिस। रेडिस, स्पेलिंग RADISH, रेडिस। रेडिस। अगली वेजिटेबल गाजर। गाजर, इसका अंग्रेजी नाम कैरेट। कैरेट, स्पेलिंग CARROT, कैरेट। कैरेट मीन्स गाजर। अगली वेजिटेबल है हमारी खीरा ककड़ी। खीरा ककड़ी, इसका इंग्लिश नेम होता है कुकुम्बर। कुकुम्बर, इसकी स्पेलिंग CUCUMBER, कुकुम्बर। कुकुम्बर मीन्स खीरा या ककड़ी। अगली जो हमारी वेजिटेबल है वो है फूल गोभी। फूल गोभी, इसका इंग्लिश नेम कॉलीफ्लावर। इसका इंग्लिश नेम कॉलीफ्लावर, इसकी स्पेलिंग CAULIFLOWER, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी। अगली वेजिटेबल पत्ता गोभी या बंद गोभी, इसे इंग्लिश नाम है इसका कैबेज। कैबेज, CABBAGE, कैबेज। कैबेज मीन्स पत्ता गोभी। अगली वेजिटेबल एक और गोभी ही प्रजाति की एक गोभी है, वो है हरी फूल गोभी। हरी फूल गोभी, जिसे ब्रोकली कहा जाता है। जिसे ब्रोकली कहा जाता है, BROCCOL, भाई ब्रोकली। ब्रोकली मीन्स पत्ता गोभी। मटर, पीस, पीस, PEAS, पीस। पीस मीन्स मटर। फिर आते हैं बैगन। बैगन, बैगन को ब्रिंजल, ब्रिंजल भी कहा जाता है, एग प्लांट भी कहा जाता है और ऑर्बनिज भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम से ब्रिंजल को, जो बैगन है उसे इंग्लिश में पुकारा जाता है। और हमारा जो अगली सब्जी है वो है भिंडी। भिंडी का इंग्लिश नेम होता है लेडी फिंगर। क्या होता है? लेडी फिंगर, LADYFINGER, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर मीन्स भिंडी। अगली जो सब्जी है वो है चुकंदर। चुकंदर, इसको, इसका इंग्लिश नाम है बीट रूट। बीट रूट, BITROT, बीट रूट। बीट रूट मीन्स चुकंदर। अगली शिमला मिर्च। शिमला मिर्च, इसका इंग्लिश नाम है कैप्सिकम। कैप्सिकम, CAPSICUM, कैप्सिकम। कैप्सिकम मीन्स शिमला मिर्च। अगली जो हमारी सब्जी है वो है कटहल। कटहल, इसका इंग्लिश नाम है जैक फ्रूट। इसका इंग्लिश नाम है जैक फ्रूट, स्पेलिंग JACKFRUIT, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट मीन्स कटहल। अगली सब्जी जो है वो है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता, या फिर इसे मशरूम भी कहा जाता है और इसका इंग्लिश नाम भी मशरूम ही है, MUSHROOM, मशरूम। मशरूम मीन्स कुकुरमुत्ता। अगली सब्जी है शलजम। शलजम या टर्निप, इसे इंग्लिश में टर्निप कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग TURNIP, टर्निप। टर्निप मीन्स शलजम या सलगम। अगली सब्जी शकरकंद। शकरकंद, शकरकंद, इसका इंग्लिश नाम है स्वीट पटेटो। स्वीट पटेटो, स्पेलिंग SWEET, स्वीट, POTATO, पटेटो, स्वीट पटेटो। अगली वेजिटेबल सेम, इसका इंग्लिश नाम होता है बीन्स, BEANS, बीन्स। अगली वेजिटेबल लौकी, इसका इंग्लिश नाम होता है गॉर्ड, GOURD, गॉर्ड। अगली वेजिटेबल स्नैक गॉर्ड। स्नैक गॉड, चिंचिंडा, मतलब वो तुरी के जैसा लगता है, उसे स्नैक गॉड कहा जाता है। अगली वेजिटेबल
करेला, इसका इंग्लिश नाम है बिटर गॉड, BITTER, बिटर GOURD, बिटर गॉड। अगली हमारी सब्जी आती है वो है परवल। परवल हमारी निमाड़ी भाषा में से कंदरी कहा जाता है और इसका इंग्लिश नाम है पॉइंटेड गार्ड, पॉइंटेड गार्ड। इसकी स्पेलिंग POINTED, पॉइंटेड GOURD, पॉइंटेड गार्ड। अगली जो हमारी सब्जी है वो है तोरी या तोरई, इसका इंग्लिश नाम होता है लूफा, लूफा LUFFA, लूफा। अगली कद्दू, कद्दू, कद्दू का इंग्लिश नाम होता है पम्पकिन, PUMPKIN, पम्पकिन। अगली हमारी सब्जी है वो है लंबा कद्दू, जैसे आपने लंबा कद्दू भी देखा होगा, इसका इंग्लिश नाम होता है जुकिनी, इसका इंग्लिश नाम होता है जुकिनी, ZUCCHINI, जुकिनी, जुकिनी मीन्स लंबा कद्दू। अगली जो हमारी सब्जी है वो है अरबी, अरबी, इसको इंग्लिश में कहते हैं एरम, ARUM, एरम, एरम मीन्स अरबी। अगली जो हमारी सब्जी है वो है पालक, पालक का इंग्लिश नाम है स्पिनच, स्पिनच SPINACH, स्पिनच। अगली हमारी सब्जी है वो है मेथी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फेनुग्रिक लीफ, फेनुग्रिक लीफ, इसकी स्पेलिंग FENUGRIK, फेनुग्रिक LEAF, लीफ, फेनुग्रिक लीफ, फेनुग्रिक लीफ मतलब मेथी पत्ता। अगली जो हमारी सब्जी है वो है चोलाई, चोलाई, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अमेरेंथस, अमेरेंथस, स्पेलिंग AMARANTHUS, अमेरेंथस, अमेरेंथस मीन्स चोलाई। अगली वेजिटेबल है वो है सरसों पत्ता, सरसों पत्ता, इसका इंग्लिश नेम मस्टर्ड ग्रीन्स, मस्टर्ड ग्रीन्स, स्पेलिंग MUSTARD, मस्टर्ड GREENS, मस्टर्ड ग्रीन्स, सरसों पत्ता। अगली हमारी सब्जी है वो है प्याज के पत्ते, प्याज के पत्ते, इसे इंग्लिश में ऑनियन लीफ कहा जाता है, ऑनियन लीफ, ऑनियन यानी प्याज और लीफ मतलब पत्तियां, तो प्याज की पत्तियां, ऑनियन लीफ्स, इसकी स्पेलिंग ONION, ऑनियन LEAF, लीफ, लीफ मिस प्याज की पत्तियां। अगली सब्जी जिंजर, जिंजर मिस अदरक, अदरक मिस जिंजर, इसकी स्पेलिंग GINGER, जिंजर, जिंजर मिस अदरक। अगली हमारी जो सब्जी है वो है लहसुन, लहसुन या फिर लहसुन, इसका इंग्लिश नाम होता है गार्लिक, GARLIC, गार्लिक, गार्लिक मीन्स लहसुन। अगली हमारी जो सब्जी है वो है मिंट, मिंट मतलब पुदीना, पुदीना मतलब मिंट, स्पेलिंग MINT, मिंट मतलब पुदीना, पुदीना की पत्तियां। और जो हमारी अगली सब्जी आती है वो है इमली, इमली, इसको इंग्लिश में टेमेरिंड कहा जाता है, टेमेरिंड कहा जाता है, स्पेलिंग TAMARIND, टेमरिंड, टेमरिंड मीन्स इमली। अगली हमारी सब्जी है वो है हरी मिर्च, हरी मिर्च, इसका इंग्लिश नेम होता है ग्रीन चिली, इसका इंग्लिश नेम होता है ग्रीन चिली, स्पेलिंग GREEN, ग्रीन CHILI, ग्रीन चिली, ग्रीन चिली मीन्स हरी मिर्ची। अगली जो हमारी सब्जी है वो है लाल मिर्ची, लाल मिर्ची को इंग्लिश में रेड चिली कहा जाता है, रेड चिली कहा जाता है, RED, रेड CHILI, रेड चिली। अगली जो हमारी सब्जी है वो है हरा धनिया, हरा धनिया, जिसे हमारी निमाड़ी भाषा में आल कहा जाता है, इसका जो इंग्लिश नेम है कोरिएंडर लीफ, कोरिएंडर लीव्स, इसकी स्पेलिंग CORIANDER, कोरिएंडर लीव्स, LEAVES, कोरिएंडर लीव्स मतलब हरा धनिया। अगली करी लीफ, करी लीफ मतलब कड़ी पत्ता, जो कड़ी बनाते वक्त कड़ी पत्ता डाला जाता है उसे कड़ी पत्ता कहा जाता है, करी लीफ, CURRY, करी LEA, लीफ, करी लीफ। और जो हमारी अगली सब्जी है वो है आलू, जिसे आप सब लोग जानते हैं आलू, उसका इंग्लिश नाम होता है पटेटो, पटेटो, इसके स्पेलिंग POTATO, पटेटो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो लेक्चर का लाभ ले सके।